राजधानी दिल्ली में और एनसीआर में रहने वाली महिलाएं आज भी अपने आप को कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं, जो पुलिस के वादे हैं वो ज़मीनी स्तर पे कितने कामयाब हैं, महिलाओं से जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा की गौ सिटी सोसाइटी में है, इको विलेज 2 सोसाइटी में, और महिलाओं से जानते हैं, आप आज कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? ये जो अभी ये घटना घटी है, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद में है, डॉक्टर है, उनके साथ जो दुखद घटना घटी है वो हम सभी महिलाओं के लिए बहुत दुखद की बात है। अगर मैं अभी भी कैब में ट्रेवल करती हूँ तो वो मेरा शेयरिंग कैब नहीं होता, पर्सनल होता है। बिकॉज ड्राइवर्स भी बोलते हैं मैम कई बार घटना घट जाती है, शेयरिंग में भी लोगों के साथ छेड़खानियाँ होती हैं। कहने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई घटना घटने वाली होती है तो क्या उसके पास ये फ़ोन होता है कि वो किसी पे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके बोलेगी जब तक वो जो घटना घटनी होगी वो घटनी चुकी होगी, जब तक वो पुलिस आएगी? या अगर पुलिस आ भी जाती है तो उसके बाद भी क्या श्योरिटी है कि वो वुमेन की हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि वो उतना टाइम ही नहीं होता। से ही हम ये देखते आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हमारी बेटी भी जब बड़ी होगी तब भी ये हमारे इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा कि लोग ये सब काम करने से डरे। जो ये काम करे मैं तो कहती हूँ खड़े खड़े उसको गोली मार दो। ऐसी कानून हमारे देश में बननी चाहिए कि जैसे जो है मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। आज अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसका तुरंत से तुरंत निपटारा होना चाहिए, 5 दिन के अंदर ही उसको कर दें। ऐसे लोगों को उठा करके गोली मार देनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब हम लोग परेशान हैं ऐसे। सबसे बड़ा मतलब माइनस पॉइंट एक मेल के साइड से ही है और कोई नहीं है। गवर्नमेंट भी बना देगी, वो बना के साइड हट जाएगी, लेकिन जब तक मेल नहीं फॉलो करेगा वो, तब तक वो कोई भी मतलब वुमेन कोई भी वो सेफ्टी के कॉर्नर पे नहीं है। तो कानून बनाना चाहिए सरकार को, सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाओं को करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई हो सके, उनको सज़ा मिल सके। कैमरामैन मनीष के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, ग्रेटर नोएडा।